खबर यह है कि माली साल 2022-23 में पीएचए की रिकवरी का डाटा सामने आ गया। पीएचए ने पहली बार रिकवरी की मद में 1 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। पीएचए ने गुज़श्ता माली साल में 1 अरब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकवरी की है। पहली बार सरकारी इदारों में इश्तिहारी मुहिम की मद में रिकवरी की गई। जैनुल अबिदीन से मजीद जान लेते हैं। जी जैन, बताइएगा। माली साल 2022-23 में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की रिकवरी को देखा जाए तो इस साल पीएचए को ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पीएचए ने पहली बार रिकवरी की बद में 1 अरब रुपए से जायद का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर लिया है। पीएचए ने गुज़िश्ता माली साल में 1 अरब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकवरी की है, जिसमें सरकारी इदारों समेत प्राइवेट एडवर्टाइजर से ये रिकवरी की गई है। गुज़िश्ता माली साल में पहली बार सरकारी इदारों से भी इश्तिहारी मुहिम की मद में रिकवरी की गई, जिसमें पीएचए की जानिब से 90 लाख रुपए की इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिकवरी की गई है। पीएचए ने पंजाब फूड अथॉरिटी से इश्तिहारी मुहिम की मद में 33 लाख रुपए की रिकवरी की। इसी तरह सीबीडी पंजाब से 11 लाख 44 हजार और टी डैब से 15 लाख रुपए की रिकवरी की। पीएचए ने अलहमरा से भी 5 लाख और वीमेन डिपार्टमेंट से 4.5 लाख रुपए की जो रिकवरी है वो की है। इस तरह पीएचए को मुआशी मुश्किल से निकालने के लिए ये गुज़िश्ता माली साल में रिकॉर्ड रिकवरी की गई है। ठीक है, जैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।